नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जिले में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा अभियान के अंतर्गत आज कोतवाली शहर और बेनीगंज पुलिस को सफलता मिली है। कोतवाली शहर पुलिस ने दूसरे के नाम पर सिम निकाल कर उन्हें एक्टिवेट कर अन्य लोगों को बेचने वाले का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया कि क्षेत्र अधिकारी नगर विकास जायसवाल के पर्यवेक्षण में सर्विलांस और कोतवाली शहर पुलिस ने दूसरे के नाम से सिम को एक्टिवेट कर सिम बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 88 प्री एक्टिवेट सिम, 2 लैपटॉप, 2 अंगूठा स्कैनर, 2 बैग, 15 फोटो और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा 3 घंटे के अंदर ही बेनीगंज पुलिस के द्वारा सतर्कता दिखाते हुए PNB बैंक से 50,000 रुपये लेकर जा रहे अपने एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति के पास से 50,000 की लूट करने वाले अभियुक्त विकास मौर्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद हरदोई में ऑपरेशन शिकंजा एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए थे कि जनपद हरदोई में प्री एक्टिवेटेड सिम कुछ लोग जो है बेच रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर इस धंधे का पता चला था। इसमें CO सिटी और सर्विलांस सेल और कोतवाली नगर के पुलिसकर्मी लगाए गए थे और इसी प्रकरण में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से विभिन्न कंपनियों के प्री एक्टिवेटेड सिम, मोबाइल और फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैपटॉप वगैरह बरामद हुए हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति को उसके आधार कार्ड से एक सिम निकालते थे, इसके अलावा कुछ सिम और उसके अंगूठे लगा करके बहाने बना करके निकाल लिया करते थे, जिसको दूसरों को ये बेच दिया करते थे ऊंचे दामों पर। और इस तरह के तथ्य भी प्रथम दृष्टया प्रकाश में आए हैं कि ऐसे सिम से काफ़ी अपराध होने की संभावनाएं थी। कुछ इस संबंध में और आगे हम लोग तथ्यों को ज्ञात कर रहे हैं। इन 4 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, इन्हें जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रगति हो। लगभग कितने प्री एक्टिवेटेड सिम? लगभग 7 दर्जन प्री एक्टिवेटेड सिम, 7 दर्जन से अधिक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो मिले। थाना बेनीगंज में कस्बा बेनीगंज के एक श्यामा प्रसाद गुप्ता सीनियर सिटीजन हैं, जो PNB बैंक से 50,000 रुपये निकाल करके अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे थे, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उनका झोला जिसमें 50,000 रुपये रखा था, पासबुक रखी थी, वो छीन करके भाग गया था। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया, बड़ी ही तत्परता के साथ कार्रवाई की गई। 3 घंटे के अंदर पुलिस ने, थाना बेनीगंज पुलिस ने शत प्रतिशत धनराशि 50,000 रुपये, पासबुक और झोला बरामद किया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त विकास मौर्या पास के ही गांव का रहने वाला है और इसको पैसों की ज़रूरत थी। इसकी शादी में काफ़ी पैसे खर्च हुए थे, उसी में ये जब बैंक गया हुआ था तो देखा कि 50,000 रुपये एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा निकाले जा रहे हैं, इसी लालच में आके इसके द्वारा लूट की घटना कार्य की गई है। और इसमें अभियुक्त गिरफ्तार है। 70% बरामदगी पुलिस द्वारा कर ली गई है, आवश्यक अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। शादी हो चुकी थी या क्या था? शादी इनकी पिछले साल 2020 में जून में। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।